यह दिल्ली का झंडे वाला मंदिर है और यह है मंदिर सेवा संस्थान की रसोई। इस विशाल रसोई में बड़ी ही साफ सफाई और कुशलता के साथ भोजन तैयार किया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए पहले थर्मामीटर में उनका टेम्परेचर माप किया जाता है और वो हाथ को सैनिटाइजर किया जाता है। मैं हैंड वॉश भी रखे हुए हैं और स्वच्छता पूरा ध्यान रखा जाता है। तैयार भोजन बड़े ही हाइजेनिक ढंग से पैक किए जा रहे हैं। भोजन के ये पैकेट्स खास तैयार किए जा रहे हैं कोविड मरीजों के लिए, जिनका इलाज चल रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने कोविड केयर सेंटर्स में। खासकर स्वयंसेवी संस्था सेवा भारती द्वारा चलाए जा रहे कोविड केयर सेंटर्स में। सेवा भारती दिल्ली में अलग अलग इलाकों में कोविड केयर सेंटर चला रही है, जिनमें 300 से ज्यादा बेड्स की व्यवस्था है। इनके अलावा अकेले रह रहे वे कोविड मरीज जो होम आइसोलेशन में है या ऐसे परिवार जिनमें घर के सभी सदस्य कोविड पीड़ित हैं, उन परिवारों में भी सेवा भारती भोजन पहुंचा रही है। RSS के माध्यम से जो डिमांड आती है हमें भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें बालाग्राम हॉस्पिटल, ककरोला, सागरपुर, उदासीन आश्रम, जहाँ से भी जितनी भी डिमांड आ रही है हमें उसको प्रोवाइड करते हैं समय समय पे। 30,000 लगभग हम देने की अपनी क्षमता रखते हैं। ये भोजन डॉक्टर्स की सलाह से बनाया जा रहा है ताकि कोविड मरीजों को जरूरी विटामिन और प्रोटीन जैसे तत्व पर्याप्त मात्रा में मिले। दालें वगैरह दी जाती है, सब्जी, हरी सब्जी दी जाती है, जिससे कि बीमार को प्रोटीन की आवश्यकता होती है